मॉनसून सीजन के दौरान किसी भी तरह की आपात परिस्थिति से निपटने के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। उपायुक्त हमीरपुर द्वेश्वेता वणिक ने बताया कि प्राकृतिक आपदा और अन्य आपात परिस्थितियों में बचाव एवं राहत कार्यों को त्वरित एवं प्रभावशाली ढंग से अंजाम देने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित विभागों के आपसी समन्वय पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मॉनसून सीजन की तैयारियों के संबंध में पिछले हफ्ते बैठक में सभी विभागों को अपने अपने स्तर पर आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को जिला की मुख्य सड़कों पर भूस्खलन की आशंका वाले स्थान चिन्हित करने तथा पर्याप्त मशीनरी तैयार रखने के आदेश दिए गए हैं। सड़कों के किनारे बंद पड़ी नालियों और अवरुद्ध नालों को तुरंत सफाई करना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगर निकाय क्षेत्र में नालियों की सफाई का जिम्मा स्थानीय निकायों का रहेगा। जिला में खतरनाक पेड़ों को चिन्हित कर तुरंत हटवाने के लिए SDM वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने को भी कहा है। वहीं उन्होंने नदौन और सुजानपुर के SDM को ब्यास नदी के साथ लगते बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों पर नियमित नजर रखने और स्थानीय लोगों को अलर्ट करने को भी कहा है। उपायुक्त ने कहा कि मॉनसून सीजन में पेयजल स्त्रोतों में मलबा आने और पानी को प्रदूषित होने की आशंका रहती है। इसके मद्देनजर जल शक्ति विभाग पेयजल स्त्रोतों की सफाई सुनिश्चित करेगा तथा स्वास्थ्य विभाग की मदद से पानी की टेस्टिंग और क्लोरिनेशन सुनिश्चित करेगा। किसी भी तरह की आपात स्थिति में बचाव कार्य के लिए पुलिस, होमगार्ड और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को बचाव दल गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़ी आपदा की स्थिति में सेना व अर्धसैनिक बलों से संबंधित क्षेत्रीय अनुक्रिया केंद्रों से भी संपर्क किया जा सकता है।